आपको बता दें कि सोनिया गांधी राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं। जयपुर पहुंचे हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी और जयपुर एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत ने स्वागत किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। बड़ी जानकारी, सोनिया गांधी राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हैं, बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ विमान, विमान जो है जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। बड़ी अपडेट आपको देने, बड़ी जानकारी आपको देने जो इस बीच सामने आ रही है, जयपुर एयरपोर्ट पर विमान जो है वो सोनिया गांधी राहुल गांधी का लैंड हो चुका है और सीएम अशोक गहलोत ने रिसीव किया सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सोनिया गांधी राहुल गांधी जो हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं, बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी आपको दे दें। और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि विजयधर नगर स्टेडियम में भी पहुंचेंगे राहुल गांधी सोनिया गांधी। आपको बता दें कि करीब 12:30 बजे के बाद दोनों नेताओं के यहां पहुंचने का जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेता जो है 12:30 बजे के बाद यहां मैदान में पहुंचेंगे। बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी है आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सोनिया गांधी राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि विमान जो है लैंड हो गया है और सीएम गहलोत ने स्वागत किया यहां पर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का यहां पर स्वागत किया है। बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच मनु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। मनु, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि किस तरीके से महारैली इस वक्त गूंज रही है और किस तरीके से आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, इन 5 राज्यों में महारैली की गूंज सुनाई देगी। देखिए, कांग्रेस का एक मेगा इवेंट है, इसको महाकुंभ कह सकते हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ जयपुर के अंदर मौजूद है और ये एक शंखनाद है केंद्र सरकार के खिलाफ में, जो आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। और जयपुर इस वक्त सोनिया गांधी पहुंच गई है, काफी लंबे अरसे के बाद में सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगी जो कांग्रेस की ओर से आयोजित किया जा रहा है जी। उसके अंदर आज भाग लेने के लिए पहुंची है राहुल गांधी के साथ में, विशेष विमान से यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर वो लैंड कर चुके हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी अगुवानी की है यहाँ पर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की, उनका यहाँ से एक बार शायद ओटीएस जाने का कार्यक्रम बना हुआ है कि वो ओटीएस पहुंचेंगे वहां दूसरे रुक करके और वहां से रैली स्थल के लिए रवाना होंगे। ये तमाम उनका कार्यक्रम है, लेकिन इनके पूरे राजनीतिक और सियासी मायने इस रैली के, राहुल गांधी को एक रीलॉन्चिंग की कोशिश की जा रही है इन 5 राज्यों में चुनाव से पहले। जो G23 से नेता G23 बना हुआ था कांग्रेस के एक लीडरशिप से जो सवाल उठा रहे थे उन लोगों को जवाब देने की सीधे तौर पर कोशिश है कि राहुल गांधी आज भी एक्टिव है और पहले भी थे और वो तमाम जो केंद्र सरकार के खिलाफ में लगातार रहते हैं इस रैली के माध्यम से देने की कोशिश है पूरे देश में कि कांग्रेस जो है अभी भी हमलावर है केंद्र सरकार के खिलाफ में। आपने पिछले दिन देखा होगा ममता बनर्जी ने कई एक बार यूपीए पर सवाल उठा दिए थे कि यूपीए अब नहीं है, उन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने यह प्लान किया है और एक मेगा इसको किया है कि यहाँ पर इसके माध्यम से ये रैली आयोजित करके जी। और बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, सीधे तौर पर तमाम कार्य यहाँ पर किए हैं और ये बड़ा हल्ला बोल है कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के, ब्रेक के उस पार भी खबरों का